नमस्कार, बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्यूलिप सलवार कैसे बनाते हैं वो मैं आज सिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये ट्यूलिप सलवार है, ये बहुत फैशन में चली हुई है इस टाइम, ये बहुत अच्छी लगती है। इसको कैसे बनाते हैं आज मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ। देखिए, हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, 2 मीटर हमने कपड़ा लिया हुआ है, ये देखिए 2 मीटर कपड़े को हमने इस तरीके से खोल के एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब मैं इसमें ट्यूलिप सलवार का किस नाप से बनाऊंगी वो मैं नाप बताती हूँ। सबसे पहले मैं लंबाई ले रही हूँ इसकी 42, हिप ले रही हूँ 40, और जो हम मोरी बनाएंगे वो लेंगे हम 8 इंच की। तो इस 2 मीटर में मैं कैसे तैयार करूंगी, ये देखिए। सबसे पहले हमने कपड़ा खोला, इस कपड़े को हमने इस कोने से ये देखिए इस वाले कोने को आपने इस तरीके से कोन बनानी है इसकी। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी कोन बनानी है। और उस साइड से भी हमने इसकी एक दूसरे के ऊपर रख के कोन ही बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये कोन बना दिए। अब हमें जितनी लंबाई चाहिए हम पहले उतनी लंबाई लेंगे। हमें लंबाई चाहिए 42, 42 में से 2 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे तो हमें चाहिए 40 इंच। इसको इस तरीके से ही 40-40 पे हम निशान देंगे। इस तरीके से हमने ये जितनी हमें लंबाई चाहिए हमने वो निशान लगा दिया। सबसे पहले हम इसका कपड़ा ही निकालेंगे, क्योंकि जो हमें कपड़ा चाहिए हम वो ही निकालेंगे सबसे पहले। अब हमने ये जो हमने आगे की तरफ रखा है इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे और इस वाले पे हमने अपना आसन बनाना है। आसन निकालेंगे हम 1 का 3+2। इस तरीके से ये 2 इंच का आपने निशान लगाना है, क्योंकि आसन जो हमारा होता है वो गोल होता है, इसलिए इसकी हम गुलाई करेंगे। ये देखिए, हमारी ट्यूलिप सलवार कटिंग हो चुकी है। इधर से बीच में से कट करेंगे।
ये देखिए ये आसन हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, अब हम इसको इस तरीके से ही सिलना, मैं आपको पिछले एपिसोड में सिखाऊंगी। ये देखिए अब इसके लिए हम बेल्ट निकालेंगे, बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे हम। जितनी हमारी हिप होती है उसका आधा प्लस 3 इंच हम बेल्ट का कपड़ा निकालेंगे। हिप हमारी 40 है तो हम इस तरीके से 23 इंच कपड़ा लेंगे डबल में। ऐसे लेंगे हम 4 इंच क्योंकि 2 इंच में इलास्टिक लग जाएगी हमारी। ये देखिए बेल्ट का कपड़ा निकल गया है 23 इंच का, 23 इंच लंबाई है, चौड़ाई हमने 4 इंच ले ली है। अब इलास्टिक लेंगे हम हिप का, हिप जितनी हमारी होती है उसमें 10 इंच हम माइनस करते हैं, हिप हमारी 40 है तो हम 30 इंच की इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक हम इसलिए कम लेते हैं क्योंकि ये खुलती है, जब हम इसको सिल देंगे तो ये खुल के इसके ये देखिए बिल्कुल बराबर ही हो जाएगी, ये इलास्टिक हो गई वो बेल्ट हो गया। लीजिए ट्यूलिप सलवार की कटिंग हो चुकी है, सिलना मैं आपको अगले एपिसोड में सिखाऊंगी। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करें बताएं, लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।